बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि ये वक्त राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए कहा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की इस वक्त में जरूरत है। तो देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए ये तमाम बातें कही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि यह वक्त राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने ये नसीहत भी दी कि महाराष्ट्र के आंकड़ों के बहाने ये पब्लिक है, सब जानती है, ये तंज कसा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सोनिया गांधी को उन्होंने खत लिखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी है और कहा है कि यह पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? सत्यप्रकाश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी। सत्यप्रकाश, जिस तरह से सोनिया गांधी को खुला खत लिखा है पूर्व सीएम ने, क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? जी लकी, देखिए जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सोनिया गांधी जी के खत लिखा, सबसे पहले उनका हाल पूछा है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा, उसके बाद खत में सीधे तौर पर उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस के तमाम उन नेताओं को भी आड़े लिया है जिन्होंने लगातार देश में बढ़ रहे कोरोना और मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना को लेकर तमाम तरह के नए नए आंकड़े बताए हैं। वहीं मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े शुरुआती दौर में काफी बढ़े हुए थे लेकिन अब कहीं ना कहीं समाधान में है, ऐसे महाराष्ट्र में भी उसी तरह के आंकड़े लगातार देखा जा रहा है। उन आंकड़ों का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उस पत्र में लिखा है कि जिस तरह से देश के अन्य भागों में कोरोना की लहर लगातार बढ़ती जा रही है उसके बावजूद महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना की संक्रमण में रफ्तार में रोक लगी है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं आंकड़ों को बताते हुए यह भी कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में के आंकड़े हैं उसका सिर्फ 22% महाराष्ट्र में है। मौत के आंकड़ों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों में 4000 के आसपास मौतें हैं जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 850 मौतें हो रही है, इसको भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। तो सत्यप्रकाश, इससे क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं इस पत्र में इस बात का जोर दिया गया कि कांग्रेस के समर्थन में बनी महाराष्ट्र सरकार जो है वो राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम साबित हुई है। क्या यही संदेश देना चाहते हैं इस पत्र के माध्यम से? जी देखिए, जाहिर तौर पर यह साफ जाहिर होता है कि कहीं कहीं महाराष्ट्र में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ ही इशारा है क्योंकि उन्होंने पत्र में यह भी साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ अन्य राज्यों के बल्कि महाराष्ट्र को भी जो तत्काल प्रभाव में सेवा देनी चाहिए, मदद देनी चाहिए, उन्होंने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात किया जाए तो 8 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए हैं, 1,80,00,000 जो है वैक्सीन मुहैया करवाया गया, उसके बाद वेंटिलेटर की बात किया जाए फिर ऑक्सीजन 1750 के आसपास जो है मेट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करवाई, तो कहीं ना कहीं ये संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा है, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। तमाम जानकारियां उन्होंने देते हुए जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की यहां पर नसीहत दी गई है फडणवीस द्वारा। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।